बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आम का बहुत ही मज़ेदार सा शरबत, जो आप बिल्कुल आसान तरीके से घर में बना के तैयार कर सकते हैं। बग़ैर केमिकल के आप फ्रेश जूस जो है आम का घर पे बनाएं, बहुत ही आसान तरीके से। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो इसके लिए लिए हमने 1 किलो आम, तो इनको हमने इस तरह से कटिंग करके और इस तरह छुरी से इस तरह छोटे छोटे पीस कर लिए। तो अब हम इन्हें बीच में से काट लेंगे। तो एक मिक्सिंग जार लिया है अपने, तो हम सबसे पहले आम को ग्राइंड करेंगे। तो ये चम्मच की मदद से हम आराम से इस तरह से ये सारे पल्प को निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से मैं ये सारा पल्प आम से निकाल लूँगी। तो इस तरह से ये देखें, बहुत ही आसानी से आप चम्मच से निकाल सकते हैं मैंगो पल्प। तो इसी तरह से मैं सारे आम का पल्प निकाल लूँगी। तो ये देखें जी, सारा पल्प मैंने निकाल लिया। अब इन्हें हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये सारा मैं इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखें जी, ये सारा पल्प जो है मैंने ब्लेंड कर लिया। अब इसे हम छान लेंगे, ताकि कोई मोटा हो आम तो वो निकल जाए। तो ये देखें जी, ये सारा मैंने इस तरह से छान लिया है। तो ये सारा पल्प मैंने इस तरह से छान लिया है। तो अब ये देखें, ये इस तरह का हमारा जो है आम निकला है। अब हम इसे चूल्हे पे रख देंगे और इसे पकाएंगे हम। तो अगर आप इसको जो है सेव करना चाहते हैं शरबत को बना के, तो इसमें आप 1 किलो आम और 1 किलो चीनी मिला के इनको पकाएं, और इसमें आप फूड कलर और इसमें टार्टरी आप डालें। तकरीबन इसमें टार्टरी आप डालेंगे और आप इसे ज़्यादा देर तक महफूज करके रख सकते हैं। अब इसमें मैं 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी डाल दूँगी। तो इसे मैं अच्छे तरीके से पकाऊँगी। तो ये मुझे सेव नहीं करना था, तो इसलिए मैं इसे बिल्कुल कलर से पाक और इस तरह से टार्टरी इसमें मैं नहीं डालूँगी। तो इसलिए मैं इसको अभी हम लोगों ने इसको यूज़ करना है, तो इसलिए हम इसमें टाटरी नहीं डालेंगे। तो ये देखिए, ये सारा पल्प कितने अच्छे तरीके से, चीनी भी मिक्स हो गई है और ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो गया है। तो ये हम चूल्हे से इसको उतार लेंगे। तो इसे थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे हम। तो इसमें मैं अब लेमन का एक जूस डाल दूँगी। 1 लेमन का जूस है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच लेमन जूस है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। इसको हम पकाते वक्त नहीं डालेंगे, हम नीचे उतार के थोड़ा सा ठंडा करके इसको लेमन जूस डाल देंगे। अब अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अब ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे शरबत बना लेते हैं। तो बर्फ़ डाल दी है मैंने, अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी। तो ये देखिए जी, हमारा फ्रेश जूस बन के रेडी हो गया। बिल्कुल बाज़ार जैसा, आप बग़ैर केमिकल के ये शरबत घर पे आसानी से बना सकते हैं। आप ज़्यादा देर इनको महफूज अगर करना चाहें तो आपको टाटरी इसमें डालनी होगी। अब इसमें मैं काला नमक डाल दूंगी। तो ये काला नमक डाला मैंने इसमें, तो ये टेस्ट अच्छा आएगा इसका। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसे मैं गिलास में सर्व कर लूँगी। तो ये देखें जी, हमारा मज़े का शरबत बन के रेडी हो गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।